राज सिंह और सीएम हिमंता के खिलाफ शिकायत, चुनाव आयोग से दोनों नेताओं पर उत्तेजक भाषण देने का आरोप भी लगा है। तो बता दें कि वंदना डाडेल ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। तो मंत्रिमंडल समन्वय की प्रधान सचिव हैं वंदना डाडेल और हेमंत सरकार ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सूरज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सूरज, जानना चाहूंगी हेमंत सरकार की चुनाव आयोग से शिकायत है और किस संबंध में ये शिकायत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार झारखंड दौरे पर दोनों नेता आ रहे हैं और भाजपा के ये चुनाव प्रभारी हैं, तो ऐसे लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर ले या फिर विपक्ष की बात कर ले, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। और इसी दरमियान जिस तरह से मंत्रिमंडल के जो प्रधान सचिव है वंदना डाडेल, उन्होंने सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कहा कि ये दोनों नेता उत्तेजक भाषण देते हैं जिससे तनाव का खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिस तरह से इनके भाषण देने का अंदाज है उससे कहीं ना कहीं तनाव झारखंड में बढ़ सकता है, खतरा बढ़ सकती है। तो इसे लेकर इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई किया जाए, यानी सरकार ने चुनाव आयोग से दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हालांकि देखिए, जिस तरह से वंदना डाडेल ने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद झारखंड में एक बार फिर सियासत तेज हो गई। झारखंड के जो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि ये खिलाफ पत्र लिखने से ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कर रहे हैं तो आप दोनों नेताओं पर एफआईआर कर सकते हैं। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल एक बार शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार झारखंड दौरे पर दोनों नेता आ रहे हैं और लगातार ये दोनों नेता सरकार हेमंत सोरेन पर ये हमलावर दिख रहे हैं। सरकार के जो कामकाज है, सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन को लगातार वो टारगेट में ले रहे हैं। तो इस तरह के जो भाषण है, इस तरह के जो बयान है, लगातार देखने को मिल रही है। और यही की वजह है कि वंदना डाडेल ने जो सरकार के जो प्रधान सचिव है, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। लेकिन सूरज, जब चुनावों का प्रचार प्रसार होता है तो इस तरह के भाषण नेताओं के द्वारा सामने आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की और हेमंत बिस्वा की करें तो जाहिर तौर पर कि वो स्टार प्रचारक के तौर पर आते हैं बीजेपी की लिस्ट में। और जो चीज़ें फिलहाल पिछले कुछ दिनों में हुई हैं झारखंड में, उसके बाद ये होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, अभी चुनाव का माहौल है झारखंड में, दो महीने के बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे स्थिति में चाहे वो विपक्ष की बात कर ले या फिर सत्ता पक्ष की बात कर ले, दोनों एक दूसरे पर हमलावर। आपने देखा कि लगातार हेमंत सोरेन, जो कि सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री है, लगातार अपनी चुनावी भाषण में झारखंड बीजेपी को वो कोसते नजर आया, केंद्र सरकार को कोस रहे कि हमें बिना गलती के हमें 5 महीने के लिए भाजपा के नेताओं ने हमें जेल भेजने का काम किया है, सरकार को अस्थिर करना चाहती है। दो बड़े नेता झारखंड में प्रवास कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री अपने स्टेट को छोड़कर झारखंड में वो प्रवास कर रहे हैं। तो इस तरह के कई सत्ता पक्ष के तरफ से बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की भी तरफ से बयान आ रहे हैं। और हाल के दिनों में आपने देखा कि उत्पात सिपाही की बहाली में 16 लोगों की मौत हुई और उसके बाद भाजपा के तमाम जो बड़े नेता है, जो शीर्ष नेता है, या हेमंता हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार मृतक के परिवार से मुलाकात करके उन्हें 1 लाख का मुआवजा भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की झारखंड सरकार बनती है तो आप लोगों की सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं कि आखिर झारखंड की सोरेन सरकार क्या कह रही है। लेकिन एक तरफ हेमंत सोरेन का कहना कि जो कोविड की वैक्सीन पड़ी है उसके वजह से ये सभी अभ्यर्थियों की मौत हुई है। तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है, खासकर चुनाव से पहले, वो देखने को मिल रही है। और लाजमी है चुनाव आयोग इस पर अगर कार्रवाई करती है तो दोनों की तरफ से ही कार्रवाई होगी, क्योंकि दोनों पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर वो हमलावर हैं। तो ऐसे स्थिति में चुनाव का माहौल है और चुनाव के दौरान ये पक्ष और विपक्ष के तरफ से जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं तो ये लाजमी है, ये चुनाव में देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पर शिवराज सिंह और सीएम हिमंता के खिलाफ शिकायत, चुनाव आयोग से दोनों नेताओं पर उत्तेजक भाषण देने का आरोप भी लगा है। तो बता दें कि वंदना डाडेल ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। तो मंत्रिमंडल समन्वय की प्रधान सचिव हैं वंदना डाडेल और हेमंत सरकार ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सूरज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सूरज, जानना चाहूंगी हेमंत सरकार की चुनाव आयोग से शिकायत है और किस संबंध में ये शिकायत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार झारखंड दौरे पर दोनों नेता आ रहे हैं और भाजपा के ये चुनाव प्रभारी हैं, तो ऐसे लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर ले या फिर विपक्ष की बात कर ले, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। और इसी दरमियान जिस तरह से मंत्रिमंडल के जो प्रधान सचिव है वंदना डाडेल, उन्होंने सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कहा कि ये दोनों नेता उत्तेजक भाषण देते हैं जिससे तनाव का खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिस तरह से इनके भाषण देने का अंदाज है उससे कहीं ना कहीं तनाव झारखंड में बढ़ सकता है, खतरा बढ़ सकती है। तो इसे लेकर इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई किया जाए, यानी सरकार ने चुनाव आयोग से दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
हालांकि देखिए जिस तरह से वंदना डाडेल ने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद झारखंड में एक बार फिर सियासत तेज हो गई। झारखंड के जो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि ये खिलाफ पत्र लिखने से ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कर रहे हैं तो आप दोनों नेताओं पर FIR कर सकते हैं। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल एक बार शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार झारखंड दौरे पर दोनों नेता आ रहे हैं और लगातार ये दोनों नेता सरकार हेमंत सोरेन पर ये हमलावर दिख रहे हैं। सरकार के जो कामकाज है, सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन को लगातार वो टारगेट में ले रहे हैं। तो इस तरह के जो भाषण है, इस तरह के जो बयान है लगातार देखने को मिल रही है, और यही की वजह है कि वंदना डाडेल ने जो सरकार के जो प्रधान सचिव है उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। लेकिन सूरज, जब चुनावों का प्रचार प्रसार होता है तो इस तरह के भाषण नेताओं के द्वारा सामने आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की और हेमंत बिस्वा की करें तो जाहिर तौर पर कि वो स्टार प्रचारक के तौर पर आते हैं बीजेपी की लिस्ट में, और जो चीज़ें फिलहाल पिछले कुछ दिनों में हुई हैं झारखंड में, उसके बाद ये होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, अभी चुनाव का माहौल है झारखंड में, 2 महीने के बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो विपक्ष की बात कर ले या फिर सत्ता पक्ष की बात कर ले, दोनों एक दूसरे पर हमलावर। आपने देखा कि लगातार हेमंत सोरेन जो कि सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री हो, लगातार अपनी चुनावी भाषण में झारखंड बीजेपी को वो कोसते नजर आया, केंद्र सरकार को कोस रहे कि हमें बिना गलती के हमें 5 महीने के लिए भाजपा के नेताओं ने हमें जेल भेजने का काम किया है, सरकार को अस्थिर करना चाहती है। 2 बड़े नेता झारखंड में प्रवास कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री अपने स्टेट को छोड़कर झारखंड में वो प्रवास कर रहे हैं। तो इस तरह के कई सत्ता पक्ष के तरफ से बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की भी तरफ से बयान आ रहे हैं। और हाल के दिनों में आपने देखा कि उत्पात सिपाही की बहाली में 16 लोगों की मौत हुई, और उसके बाद भाजपा के तमाम जो बड़े नेता है, जो शीर्ष नेता है, या हेमंता हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार मृतक के परिवार से मुलाकात करके उन्हें 1 लाख का मुआवजा भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की झारखंड सरकार बनती है तो आप लोगों को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं कि आखिर झारखंड की सोरेन सरकार क्या कह रही है। लेकिन एक तरफ हेमंत सोरेन का कहना है कि जो कोविड की वैक्सीन पड़ी है उसके वजह से ये सभी अभ्यर्थियों की मौत हुई है। तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है खासकर चुनाव से पहले वो देखने को मिल रही है, और लाजमी है चुनाव आयोग इस पर अगर कार्रवाई करती है तो दोनों की तरफ से ही कार्रवाई होगी, क्योंकि दोनों पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर वो हमलावर हैं। तो ऐसे स्थिति में चुनाव का माहौल है, और चुनाव के दौरान ये पक्ष और विपक्ष के तरफ से जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं तो ये लाजमी है, ये चुनाव में देखने को मिलती है। ठीक है, जहां पर शिवराज सिंह और सीएम हेमंता के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग से, दोनों नेताओं पर उत्तेजक भाषण देने का आरोप भी लगा है। तो बता दें कि वंदना डाडेल ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। तो मंत्रिमंडल समन्वय के प्रधान सचिव हैं वंदना डाडेल, और हेमंत सरकार ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सूरज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सूरज, जानना चाहूंगी हेमंत सरकार की चुनाव आयोग से शिकायत है और किस संबंध में ये शिकायत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार झारखंड दौरे पर दोनों नेता आ रहे हैं और भाजपा के ये चुनाव प्रभारी हैं, तो ऐसे लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर लिया फिर विपक्ष की बात कर ले, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। और इसी दरमियान जिस तरह से मंत्रिमंडल के जो प्रधान सचिव है वंदना डाडेल, उन्होंने सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कहा कि ये दोनों नेता उत्तेजक भाषण देते हैं जिससे तनाव का खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिस तरह से इनके भाषण देने का अंदाज है उससे कहीं ना कहीं तनाव झारखंड में बढ़ सकता है, खतरा बढ़ सकती है। तो इसे लेकर इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई किया जाए, यानी सरकार ने चुनाव आयोग से दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। हालांकि देखिए जिस तरह से वंदना डाडेल ने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद झारखंड में एक बार फिर सियासत तेज हो गई। झारखंड के जो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि ये खिलाफ पत्र लिखने से ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कर रहे हैं तो आप दोनों नेताओं पर FIR कर सकते हैं। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल एक बार शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार झारखंड दौरे पर दोनों नेता आ रहे हैं और लगातार ये दोनों नेता सरकार हेमंत सोरेन पर ये हमलावर दिख रहे हैं। सरकार के जो कामकाज है, सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन को लगातार वो टारगेट में ले रहे हैं। तो इस तरह के जो भाषण है, इस तरह के जो बयान है लगातार देखने को मिल रही है, और यही की वजह है कि वंदना डाडेल ने जो सरकार के जो प्रधान सचिव है उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। लेकिन सूरज, जब चुनावों का प्रचार प्रसार होता है तो इस तरह के भाषण नेताओं के द्वारा सामने आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की और हेमंत बिस्वा की करें तो जाहिर तौर पर कि वो स्टार प्रचारक के तौर पर आते हैं बीजेपी की लिस्ट में, और जो चीज़ें फिलहाल पिछले कुछ दिनों में हुई हैं झारखंड में, उसके बाद ये होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और क्या कार्रवाई की जा सकती है?
देखिए अभी चुनाव का माहौल है, झारखंड में 2 महीने के बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने हैं, तो ऐसी स्थिति में चाहे वो विपक्ष की बात कर ले या फिर सत्ता पक्ष की बात कर ले, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। आपने देखा कि लगातार हेमंत सोरेन जो कि सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री है, लगातार अपनी चुनावी भाषण में झारखंड बीजेपी को वो कोसते नजर आया, केंद्र सरकार को कोस रहे कि हमें बिना गलती के हमें 5 महीने के लिए भाजपा के नेताओं ने हमें जेल भेजने का काम किया है, सरकार को अस्थिर करना चाहती है। 2 बड़े नेता झारखंड में प्रवास कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री अपने स्टेट को छोड़कर झारखंड में वो प्रवास कर रहे हैं, तो इस तरह के कई सत्ता पक्ष के तरफ से बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के भी तरफ से बयान आ रहे हैं। और हाल के दिनों में आपने देखा कि उत्पात सिपाही की बहाली में 16 लोगों की मौत हुई और उसके बाद भाजपा के तमाम जो बड़े नेता है, जो शीर्ष नेता या हेमंता हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार मृतक के परिवार से मुलाकात करके उन्हें 1 लाख का मुआवजा भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की झारखंड सरकार बनती है तो आप लोगों की सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं कि आखिर झारखंड की सोरेन सरकार क्या कह रही है। लेकिन एक तरफ हेमंत सोरेन का कहना कि जो कोविड की वैक्सीन पड़ी है उसके वजह से ये सभी अभ्यर्थियों की मौत हुई है, तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है खासकर चुनाव से पहले वो देखने को मिल रही है। और लाजमी है चुनाव आयोग इस पर अगर कार्रवाई करती है तो दोनों के तरफ से ही कार्रवाई होगी, क्योंकि दोनों पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर वो हमलावर हैं, तो ऐसे स्थिति में चुनाव का माहौल है और चुनाव के दौरान ये पक्ष और विपक्ष के तरफ से जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं तो ये लाजमी